हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू यू पी एस एस ओ लेवल सीरीज का लेक्चर नंबर ट्वेंटी सिक्स है और पिछले वीडियो में यहाँ पर हम इतना कंप्लीट कर चुके थे हमें यहाँ पर पढ़ना है टेक्स्ट अलाइनमेंट ठीक है हमारा जो अगला टॉपिक है वो है टेक्स्ट अलाइनमेंट तो यहां पर इसको ओपन करते हैं बाकी सारी चीजें पीछे हम पढ़ चुके हैं तो यहां पर टेक्स्ट अलाइनमेंट के बारे में आपको पता है इसको हमने यूज भी किया है टेक्स्ट अलाइनमेंट में आप जो टेक्स्ट या पैराग्राफ या फिर हेडिंग होती है उसको आप लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं जो कि बाई डिफॉल्ट होता है या फिर आप उसको राइट right कर सकते हैं या फिर उसको सेंटर कर सकते हैं या उसको जस्टिफाई कर सकते हैं ठीक है जस्टिफाइड में क्या होता है कि बराबर दोनों साइड से होता है लेफ्ट और राइट right से तो चले इसको प्रैक्टिकली देखते हैं ठीक है थीके? तो यहां पर हमने जो है इसमें फाइल ओपन कर रखी है और यहां पर हमने एक डेमो के लिए इसमें पैराग्राफ लिखा है ठीक है जो कि सिंपल पैराग्राफ है यहाँ पर और इसमें हमने अभी कोई भी क्लास वगैरह यूज नहीं यहाँ पर एक हेडिंग है जिसमें यहाँ पर CH और P1 नाम की एक क्लास यूज हुई है और यहां पर हमने एक्सटर्नल स्टाइल सीट इसमें यहां पर यूज की है और ये एक्सटर्नल स्टाइल सीट है इसमें यहां पर सी एच और पी वन नाम की क्लास बनी है यहां पर बॉक्स एम और बॉक्स सी नाम की क्लास बनी है इसको हमने पिछले वीडियो में देखा था जब हमने देखा था बॉक्स मॉडल क्या होते हैं हालांकि ये क्लास तो यहां पर बनी है लेकिन यहां पर इसको हमने यूज नहीं किया है तो इन क्लास का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है ठीक है फिलहाल यहाँ पर एक सिंपल पैराग्राफ लिखा है और इसका भी जो आउटपुट आ रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आउटपुट आ रहा है तो इसमें यहाँ पर अभी हमने टेक्स्ट अलाइन ये जो पैराग्राफ है इसमें हमने कोई भी क्लास नहीं यूज की है और इसमें टेक्स्ट अलाइन जो है इसका अभी कोई नहीं सेट है तो यहाँ पर आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट साइड से यहाँ पर आप देखेंगे लिख रहा है और ये बराबर है लेफ्ट साइड से आप देखेंगे बराबर से लिख रहा है जबकि राइट right में यहाँ पर ये बराबर नहीं है ठीक है तो अगर इसे आप बराबर करना चाहते हैं लेफ्ट और राइट दोनों साइड से तो आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं तो जैसे आपको एमएस वर्ड वगैरह में जो टाइपिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड हो गया वर्ड पैड हो गया वहां पर आपको अलाइनमेंट ऑप्शन मिलते हैं लेफ्ट से लिखना सेंटर से राइट से जस्टिफाई से तो वही सेम चीज़ यहाँ पर आप जो है उसको यहाँ पर कोड लिख करके कर सकते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पर हम चाहें तो इनलाइन सी का यूज कर सकते हैं फिलहाल यहाँ पर हम इंटरनल सी का यूज़ करेंगे यहाँ पर देखिए हेड सेक्शन में स्टाइल टैग ओपन किया और यहाँ पर क्लोज और बीच में यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं जैसे यहाँ पर हमने जो क्लास है वो हमने मान लेते हैं टी एक्स टी नाम की बना ली ठीक है यहां पर टी एक्स टी और अब यहां पर हम इसका जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है ठीक है टेक्स्ट अलाइन इसको यहां पर लेफ्ट तो डिफ़ॉल्ट होता है आपको जस्टिफाई करके दिखाते हैं ठीक है जस्टिफाइड लेकिन उससे पहले आपको ये टेक्स्ट नाम की क्लास यहाँ पर यूज करनी होगी तो यहाँ पर हम क्लास यूज करते हैं और यहां पर इसको सेव करते हैं और चलते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि अभी यहाँ पर ये राइट से बराबर नहीं है लेकिन जब यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट right दोनों साइड से ये बराबर हो जाता है बराबर कैसे हो जाता है तो इसमें जो बीच बीच में जो स्पेस होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है ठीक है तो हल्का सा स्पेस बढ़ जाता है यानी कि जो वर्ड होते हैं उनमें थोड़ा सा खिंचाव आ जाता है जिसकी वजह से लेफ्ट और राइट दोनों साइड से बराबर होता है जस्टिफाई हो जाता है ठीक है इसी तरह से अगर आप सेंटर करना चाहते आते हैं, तो यहाँ पर आप इसका अलाइनमेंट सेंटर रख सकते हैं या राइट right रख सकते हैं जैसी मर्जी ठीक है तो ये आप समझ गए होंगे बहुत ही सिंपल चीज है इसको हमने यूज भी किया है तो यहां पर जैसे इसको हमने सेंटर कर दिया तो ये सेंटर हो गया बाकी आप ये चीज पैराग्राफ या हेडिंग या कहीं भी यूज कर सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर काम करेगी टेक्स्ट अलाइन ठीक है उसके बाद अगले नंबर पर है टेक्स्ट डायरेक्शन टेक्स्ट डायरेक्शन क्या होता है इसको समझते हैं ठीक है ठीके? तो डायरेक्शन का मतलब आपको बताए डायरेक्शन यानी कि आप जो यहां पर टेक्स्ट आपका जो लिखता है इसका डायरेक्शन जो है वो क्या होता है देखिए लेफ्ट टू तो राइट होता है यानी कि अभी इसका देखिए अलाइनमेंट अलग चीज होती है डायरेक्शन अलग चीज होती है इसका जो अलाइनमेंट है वो आपका सेंटर है ध्यान देना इस बात का अलाइनमेंट क्या है आपका इसका सेंटर है लेकिन डायरेक्शन अलग चीज होती है डायरेक्शन का मतलब कि देखिए अभी ये लेफ्ट साइड से लिख रहा है और राइट को लिख रहा है ठीक है ये लेफ्ट साइड से राइट

और यहां पर देखिए एक प्रॉपर्टी हम और यूज कर रहे हैं यूनिकोड बी डी ठीक है बीडी, तो यहां पर बी डी का मतलब होता है बायो डायरेक्शनल बी आई यानी कि बायो और डी आई यानी कि डायरेक्शनल ठीक है तो यहाँ पर बायो डायरेक्शनल इसका जो हमने ओवर राइड रखा है अभी देखिए इसका इफेक्ट क्या होगा इसको हम सेव करते हैं और चलते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो अभी आप देखेंगे कि अलाइनमेंट इसका जो है वो सेंटर ही है लेकिन ये अभी राइट टू लेफ़्ट लिख रहा है यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे उल्टा हो गया ठीक है वी आई डी ई ओ इस तरह से ठीक है वीडियो जो भी है तो ये क्या हो जाता है कि लेफ़्ट से राइट की तरफ लिख रहा है अभी करंट टाइम में अगर आप यहाँ पर डायरेक्शन चेंज करते हैं एल टी आर कर देंगे यानी कि लेफ़्ट टू राइट तो ये वापस से जो है नॉर्मल हो जाएगा जो कि बाई डिफ़ॉल्ट होता है ठीक है इस तरह से तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे यहाँ पर टेक्स्ट डायरेक्शन का मतलब आगे बढ़ते हैं उसके बाद है अगले नंबर पर वर्टिकल अलाइनमेंट ठीक है तो यहाँ पर टेक्स्ट अलाइनमेंट जो ये होता है ये आपका हॉर्जेंटल अलाइनमेंट होता है लेकिन अगर आप वर्टिकल अलाइनमेंट रखना चाहते हैं तो वर्टिकल अलाइनमेंट देखिए कहाँ कहाँ पर होता है जैसे अगर आप टेबल में लिखते हैं ठीक है टेबल में क्या होता है कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों तरफ से अगर आप सेंटर लिखना चाहते हैं सेंटर में रखना चाहते हैं टेक्स्ट को तो वहाँ पर हम वर्टिकल अलाइनमेंट का यूज करते हैं टेबल में ठीक है या फिर आप अगर टेक्स्ट के बीच में कहीं पर इमेज यूज कर रहे हैं तो उसको भी अगर आप सेंटर रखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर हम वर्टिकल अलाइन रखेंगे ठीक है सेंटर रखेंगे इमेज को या टॉप में रखेंगे या मिडिल में रखेंगे बॉटम में वो आप पर डिपेंड करता है ठीक है आप इमेज को जो है वो टॉप में रखना चाहते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट में या मिडिल में या फिर बॉटम में तो चलिए यहाँ पर हम एक इमेज इंसर्ट करते हैं अपने पैराग्राफ के या कहीं पर ठीक है बीच बीच में जैसे कि यहाँ पर हम एक इमेज इंसर्ट करते हैं इसके बाद में ठीक है तो यहाँ पर आई टैग और इसमें यहाँ पर इसका हम एस आर सी देते हैं ठीक है एस आर सी इक्वल टू डबल कोड के अंदर इमेज का जो एड्रेस है वो यहाँ पर हम दे देते हैं ठीक है तो इमेज का एड्रेस यहाँ पर हम निकाल लेते हैं तो ये इमेज वाले फोल्डर में यहाँ पर देखिए हमने एक छोटी सी इमेज यहाँ पर रखी है जिसका साइज बहुत ही कम है आपको दिखा दे राइट right क्लिक किया इसकी प्रॉपर्टी में गए और यहाँ पर डिटेल्स में तो इसका जो डायमेंशन है यानी इसके जो विथ और हाइट है वो टेन इंटू यानी कि टेन पिक्सल है सिर्फ ठीक है स्क्वायर में है सिर्फ टेन पिक्सल इसको अगर हम प्रिव्यू करके दिखाएं तो बहुत छोटी सी आपको इमेज यहाँ पर दिख रही होगी तो इस इमेज को यहाँ पर देखिए हम यूज़ करेंगे इसका नाम है बी यू डॉट पी एन जी ठीक है तो यहाँ पर इसको हम यूज़ करते हैं और इसका जो बी है वो कैपिटल है तो स्मॉल कर देते हैं ठीक है ताकि कोई सुना हो तो अब यहाँ पर हम यूज़ करते हैं बी यू डॉट पी एन जी इमेज में जा करके बी यू डॉट पी एन जी तो यहाँ पर हम इमेज ठीक है तो यहाँ पर हमने इमेज में बी यू डॉट पी एन जी इसको यूज किया और इसको यहाँ पर हम सेव करते हैं और चलते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये इमेज इंसर्ट हो चुकी है ठीक है अगर आपको जूम करके दिखाएं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यह इमेज यहाँ पर देखिए आ चुकी है ठीक है और यहाँ पर टेक्स्ट का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा कर देते हैं यहाँ पर ठीक है टेक्स्ट यहाँ पर हमने क्लास यूज ही की है तो इसका फ़ोन साइज़ यहाँ पर बड़ा कर देते हैं फ़ोन साइज़ इसका कर देते हैं ट्वेंटी फाइव पिक्सल ठीक है फ़ोन साइज़ यहाँ पर हमने ट्वेंटी फाइव पिक्सल किया सेव करते हैं और चलते हैं यहाँ पर रिफ्रेश तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये यह आपका टेक्स्ट है और ये आपकी जो इमेज आ रही है ये बॉटम में आ रही है अभी कहाँ पर आ रही है बॉटम में आ रही है अगर हम टेक्स्ट का साइज थोड़ा और बड़ा करें यहाँ पर तो इसको हम कर देते हैं थर्टी फाइव पिक्सल ठीक है और अब सेव करते हैं चलते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो अभी आप देखेंगे कि अभी भी ये बॉटम में आ रही है ठीक है तो यहाँ पर हम और भी कई सारी इमेजेस इंसर्ट करते हैं जैसे कि यहाँ पर हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं बीच बीच में जैसे यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया ठीक है और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया तो ये इमेजेस आ गई इसको सेव करते हैं और वापस एक बार रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें बीच बीच में हमने यहाँ पर इमेज यूज़ की है जो कि बॉटम में आ रही है अब यहाँ पर ये इमेज जो है आप इसका वर्टिकल अलाइनमेंट अगर आप टेक्स्ट के सेंटर में रखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आप वर्टिकल अलाइन यूज़ करेंगे ठीक है तो यहाँ पर हम एक नई क्लास बना लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर हमने नई क्लास आई नाम से बना ली ठीक है आई नाम से एक नई क्लास यहाँ पर बनाते हैं डॉट का साइन दे करके और यहां पर इसका जो वर्टिकल अलाइन है ठीक है यहां पर वर्टिकल एलाइन. तो इसका वर्टिकल अलाइन देखिए यहां पर हम मिडिल रख रह रहे हैं ठीक है थीके? मिडिल यहाँ पर सेंटर के लिए मिडिल यूज किया जाएगा इसको हमने सेव किया वर्टिकल अलाइनमेंट में मिडिल यूज किया जाता है ध्यान रखना ठीक है और अब चलते हैं यहाँ पर पहले तो हम क्लास को यूज़ कर लें ठीक है आईएमजी वाली क्लास इस वाली इमेज पर यहाँ पर हम देखिए पहले यूज करते हैं तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही इमेज पर ये क्लास अभी दी है इसको सेव करते हैं और चलते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो अभी आप देखेंगे कि ये इमेज जो है ये थोड़ा सा मिडिल में आ रही है टेक्स्ट के जबकि यहाँ पर ये इमेजेस जो है अभी भी ये बॉटम में ही आ रही हैं अगर इसको हम टॉप करें तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा तो यहाँ पर इसका जो वर्टिकल अलाइन है ये हम टॉप लगा देते हैं ठीक है यानी टॉप में रखना है और इसको हम सेव करते हैं और चलते हैं यहाँ पर रिफ्रेश तो आप देखेंगे कि ये टॉप में आ रही है बिल्कुल ठीक है आपका जो टेक्स्ट है उसके टॉप में ये इमेज यहाँ पर आपको दिखाई देगी ठीक है तो इस तरह से यहाँ पर आप बीच बीच में जो इमेजेस यूज़ करते हैं उसका जो वर्टिकल अलाइन है वो आप टॉप मिडिल या बॉटम में रख सकते हैं हालांकि यहाँ पर वर्टिकल अलाइन का ज़्यादातर यूज़ जो है वो किया जाता है आपका टेबल में या ड्यू में ठीक है तो यहाँ पर वर्टिकल अलाइन भी आप समझ गए होंगे आगे बढ़ते हैं उसके बाद है टेक्स्ट डेकोरेशन डेकोरेशन का मतलब टेक्स्ट की जो सजावट होती है यानी अंडर लाइन वगैरह होता है स्ट्राइक थ्रो होता है ओवर लाइन होती है उसको बोलते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन ठीक है तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन का मतलब कि आपकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन होगी वो नन होगी यानी उसमें कोई भी अंडरलाइन या कोई भी लाइन नहीं होगी लेकिन बाकी अगर आप चाहते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन जैसे कि आपको पता है कि जब ए टैग यानी कि लिंक टैग हम इंसर्ट करते हैं तो वो जो आपका टेक्स्ट होता है वो डेकोरेट होता है यानी कि उसमें अंडरलाइन और उस जो टेक्स्ट होता है उसका जो कलर होता है वो फॉन्ट कलर ब्लू ऑटोमेटिक आ जाता है आपको पता है लिंक का कलर जो होता है वो ब्लू होता है और यहाँ पर जब हम लिंक टैग इंसर्ट करते हैं एस में तो वहाँ पर बाई डिफॉल्ट अंडरलाइन आ जाती है तो अगर हम अंडरलाइन नहीं चाहते तो हम टैक्सट डेकोरेशन नन कर देंगे तो अंडरलाइन जो है वो हट जाएगी ठीक है या फिर किसी हेडिंग या पैराग्राफ में अगर हम लाइन चाहते हैं तो हम टैक्स डेकोरेशन ओवरलाइन कर देंगे तो जो कि लाइन ये ऊपर आएगी लाइन थ्रो करेंगे तो ये बीच में लाइन आएगी और अंडर लाइन लगाएंगे तो ये नीचे आएगी लाइन चाहे वो हेडिंग हो या पैराग्राफ हो या कोई भी हो ठीक है हालांकि जो हेडिंग या पैराग्राफ होते हैं उसमें टैक्स डेकोरेशन बाय डिफॉल्ट नन होती है जबकि आपके लिंक टैग जो होते हैं यानी ए टैग जो होता है उसमें टैक्स डेकोरेशन जो होती है वो अंडरलाइन होती है तो आप समझ गए होंगे ये बाय डिफॉल्ट होता है तो यहां पर हम इसको जो है कॉपी कर लेते हैं ओवरलाइन को ठीक है और आपको यहाँ पर यूज करके दिखाते हैं इसको यहाँ पर हमने कॉपी किया और है, देते हैं और इसको हैं। और चलते हैं और यहां पर ब्रैकेट जो है यहां पर तो आप देखेंगे यहां पर जो ओवर लाइन है वो आ रही है ध्यान देना इस बात का कि जो आ रही है वो अंडर लाइन यानी नीचे नहीं आ रही है ऊपर आ रही है ध्यान देना यहां पर लास्ट वाली लाइन आप देखेंगे लास्ट वाली लाइन के नीचे अंडर नहीं है बल्कि ये ऊपर आ रही है ओवरलाइन ठीक है इसके ऊपर आ रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में ऊपर आ रही है तो समझ गए होंगे अगर यहाँ पर सिंगल लाइन होती तो आपको बेटर समझ आता फिलहाल समझ गए होंगे यहाँ पर तो इस तरह से यहाँ पर हम टैक्स डेकोरेशन ओवरलाइन से और यहाँ पर हम अंडर लाइन अगर लगाना चाहें तो अंडर लाइन आपको पता चल गया होगा ये नीचे आपको लाइन दे देगा ठीक है यहाँ पर इसको हम पेस्ट करते हैं सेव और यहाँ पर रिफ्रेश तो ये अंडरलाइन आ गई जो कि नीचे आ रही है इस तरह से ठीक है ये अंडरलाइन होती है और लाइन थ्रो का मतलब ये बीच से लाइन यहाँ पर क्रॉस कर जाएगी कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखें आप इसको हमने पेस्ट किया और चलते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो ये इस तरह से बीच में एक क्रॉस लाइन दे देता है ठीक है तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे नन कर देंगे तो बाई डिफॉल्ट तो हेडिंग या पैराग्राफ का नन होता है लेकिन जो लिंक टैग होता है उसका आप अगर नन करना चाहें तो इस तरह से नन कर सकते हैं ठीक है थीके? तो ये समझ आ गया होगा आगे बढ़ते हैं उसके बाद है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि आपको पता है कि जो लेटर्स होते हैं वो कैपिटल लेटर होते हैं स्मॉल लेटर होते हैं सेंटेंस कैश होते हैं तो उसको यहाँ पर कंप्यूटर में उसको बोला जाता है कैपिटल लेटर को बोलते हैं अपर कैश ठीक है case, और स्मॉल लेटर को बोलते हैं लोअर कैश ठीक है और कैपिटलाइज को बोलते हैं हर लेटर का यानी कि हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है वो आपका कैपिटल होता है उसको बोलते हैं कैपिटलाइज ठीक है कैपिटलाइज वर्ड ठीक है ये बोलते हैं पूरा नाम होता है लेकिन यहां पर जो वैल्यू यूज करेंगे वो हम कैपिटलाइज यूज करेंगे तो चलिए यहां पर इसको भी आपको बता देते हैं जैसे कि यहां पर हमने इसको कर लिया यहां से कॉपी ठीक है copy, और यहां पर आप देखेंगे पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है यहां पर पहले तो इसकी लाइन हटा देते हैं तो जो पैराग्राफ में लिखा है सेंटेंस कैस में लिखा हुआ है सेंटेंस कैस का हो, क्या होता है सेंटेंस कैश क्या होता है कि फर्स्ट लेटर जो पैराग्राफ का होता है वो कैपिटल होता है बाकी सभी लेटर जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं और जो पॉइंट हमारा लगता है उसके बाद में अगला लेटर फिर से कैपिटल हो जाता है ये होता है सेंटेंस कैश ठीक है और अगर सभी वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है जैसे इसका पी और इसका वाई और इसका एच और इसका टी ये कैपिटल हो जाए तो ये होता है कैपिटलाइज इच वर्ड और अगर सभी लेटर कैपिटल हो जाए तो ये होता है अपर कैश और सभी स्मॉल हो जाए तो ये होता है लोअर कैश ठीक है तो यहाँ पर बाई डिफॉल्ट तो ये सेंटेंस कैश लिखा है अगर इसको आप कैपिटल में बना

वर्ड यानी कि कैपिटलाइज यूज कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर आप समझ गए होंगे इसको यहां पर हम सेव करते हैं और आपको दिखाते हैं देखिए हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो आपका कैपिटल हो जाएगा ठीक है चलिए तो यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा आगे बढ़ते हैं उसके बाद है टेक्स्ट इंडेंशन ठीक है टेक्स्ट इंडेंशन क्या होता है तो इसको थोड़ा सा आपको पहले हम एम वर्ड पर समझा देते हैं अगर आपको वर्ड चलाना आता है या नहीं आता है कोई शो नहीं तो जैसे कि यहाँ पर हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 ओपन किया है तो जब यहाँ पर हम टाइपिंग स्टार्ट करते हैं यानी टाइपिंग करते हैं ठीक है और टाइपिंग इस तरह से करते हुए चले जाते हैं फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए हमने एंटर बटन नहीं प्रेस किया एंटर बटन हमने नहीं प्रेस किया ये ऑटोमेटिक वर्ड रैप हो गया इसको बोलते हैं वर्ड रैप होना यानी कि जब आगे जगह नहीं बचती है तो ऑटोमेटिक वो विंडो के अकॉर्डिंग या पेज के अकॉर्डिंग या रूलर के अकॉर्डिंग जिसके भी अकॉर्डिंग सेट होगा उसके अकॉर्डिंग वो रैप हो जाता है यानी कि नई लाइन से ऑटोमेटिक आ जाता है ठीक है तो यहाँ पर यह ऑटोमेटिक नई लाइन से आया है दूसरी लाइन में लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें पैराग्राफ की तो पैराग्राफ अभी यहाँ पर आपका एक ही है अभी भी एक है जब हम एंटर बटन प्रेस करते हैं तब आपका यहाँ पर दूसरा नया पैराग्राफ स्टार्ट है और अभी करंट टाइम में यहां पर ये यह नया पैराग्राफ आपका चल रहा है ठीक है तो ये यहां पर पैराग्राफ क्या होते हैं आपको पता चल गया और लाइनें क्या होती हैं ये भी आपको पता चल गया यहाँ पर टोटल कितने पैराग्राफ लिखे हैं दो पैराग्राफ लिखे हैं और हर पैराग्राफ की जो लाइनें हैं उसमें तीन तीन, तीन लाइनें हैं ये तो आपको समझ आ गया ठीक है यहां पर आपको एक चीज और समझनी है देखिए सबसे पहले तो आपको इंडेंट के बारे में बता देते हैं इंडेंशन के बारे में जो यहां पर हम पढ़ने जा रहे थे टेक्स्ट इंडेंशन उसके बाद आगे देखेंगे ठीक है तो टेक्स्ट इंडेंशन क्या होता है देखिए जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर ये पैराग्राफ लिख कर आ रहा है लेकिन जो नॉर्मल पैराग्राफ आपको बुक्स वगैरह में मिलते हैं उसमें क्या होता है कुछ इस तरह से होता है जैसे कि यहाँ पर हमने टैब बटन प्रेस किया या कुछ आगे जगह छोड़ दी तो ये अभी करंट टाइम में ये जो पैराग्राफ आपके लिखे हैं ये एक्चुअल पैराग्राफ हैं जो आपको इस तरह से बुक में मिलते हैं जिसमें पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन जो होती है उसके आगे यहाँ पर गैप होता है यानी कि जगह छूटी होती है सिर्फ फर्स्ट लाइन में पैराग्राफ की जो पहली लाइन होती है उसमें तो इसी को बोलते हैं टेक्स्ट इंडेंशन हालांकि यहाँ पर एम एस वर्ड में आपको ये इंडेंट वाला ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर फर्स्ट लाइन इंडेंट तो इसे आप जहाँ रखना चाहेंगे वहाँ रख सकते हैं और पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन होगी वो वहीं से ऑटोमेटिक आ जाती है ठीक है तो ये तो हो गया टेक्स्ट इंडेंट यहाँ एम एस वर्ड में लेकिन अगर आपको यही चीज़ एस्टेमल में करनी है तो उसके लिए यहाँ पर टेक्स्ट इंडेंट ये आपकी प्रॉपर्टी होती है जिसको आप यूज करेंगे और टेक्स्ट इंडेंट आप आगे से कितना देना चाहते हैं जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें यहां पर कितना चाहते हैं है, आप जितना देना चाहें फिफ्टी पिक्सल में या इंच में या सेंटीमीटर में जो भी है ठीक है तो टेक्स्ट इंडेंट को अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे लेकिन उससे पहले यहां पर हम लेटर स्पेसिंग को यहां पर समझ लेते हैं ताकि दोनों चीजों को एक साथ देख लेंगे ठीक है तो लेटर स्पेसिंग का मतलब होता है कि एक अक्षर से दूसरे अक्षर के बीच में यानी एक लेटर से दूसरे लेटर के बीच में जो गैप होता है जैसे कि यहां पर अगर हम बात करें पी आर की तो पी और आर के बीच में यहां पर जो गैप है इसको बोलते हैं लेटर स्पेसिंग यानी इसको क्या बोलते हैं लेटर स्पेसिंग और यह आप कम या ज्यादा कर सकते हैं लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी के जरिए ठीक है उसके बाद अगले नंबर पर है लाइन हाइट लाइन हाइट क्या होता है तो लाइन हाइट का मतलब यह होता है कि एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में जो गैप होता है जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे इसमें दो गैप हैं एक तो आपका ये पूरा पैराग्राफ है यानी कि इसमें दो पैराग्राफ है तो एक पैराग्राफ से और दूसरे पैराग्राफ के बीच में कितना गैप है आप देख पा रहे होंगे ज्यादा गैप है तो इसको बोलते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग और जो आपका एक सिंगल पैराग्राफ है उसके अंदर जो लाइनें दी गई हैं तो यहाँ पर लाइनों के बीच में जो गैप है जो भी गैप है ठीक है वो क्या होता है आपका वो होता है लाइन हाइट या फिर एम वर्ड में उसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग ठीक है spacing, तो यहाँ पर लाइन हाइट जो प्रॉपर्टी है वो हम इसीलिए यूज करते हैं कि हम एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच का जो गैप है वो हम कम या ज़्यादा कर सकें उसके बाद तीसरा होता है वर्ड स्पेसिंग वर्ड स्पेसिंग क्या होता है कि एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में जो गैप होता है ठीक है जैसे यहाँ पर प्रॉपर्टी है और ये आपका इज है ठीक है तो वैसे तो यहाँ पर हमने स्पेस दिया है ठीक है जैसे यहाँ पर हमने कुछ भी टाइप किया और बीच में हम क्या करते हैं टाइप करते कर स्पेस दे देते हैं तो ये आपका एक पूरा वर्ड माना जाता है अब जब हम स्पेस देते हैं उसके बाद ऑटोमेटिक दूसरा वर्ड फिर स्पेस दिया तीसरा वर्ड तो यहां पर जब हम स्पेस बटन प्रेस करते हैं यानी स्पेस दबाते हैं तो स्पेस का जो आ, मतलब साइज है वो कितना होना चाहिए यानी गैप कितना होना चाहिए एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में कितनी गैपिंग होनी चाहिए वो हम सेट करते हैं वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी के जरिए ठीक है और आगे देखते हो उसके बाद है व्हाइट स्पेस व्हाइट स्पेस क्या होता है इसको बोलते हैं रैपिंग ठीक है एमएस वर्ड की बात करें तो उसमें रैपिंग बोलते हैं और इसको एच में भी आप सेट कर सकते हैं जिसके लिए आपको व्हाइट स्पेस में नो no रैप या फिर रैप जो भी कराना है वो आप करा सकते हैं ठीक है नो रैप no का मतलब ये होता है कि वो एक ही लाइन में लिखता चला जाएगा आगे तक और रैप का मतलब होता है कि वो रैप करेगा यानी कि बीच से टूटेगा ठीक है तो ये होता है रैप और नो रैप फिलहाल यहां पर इन सभी को हम प्रैक्टिकली देखते हैं फिर उसके बाद हम आगे टेक्स्ट सेडो के बारे में पढ़ेंगे तो ऊपर यहां पर बढ़ते हैं सबसे सब पहले यहाँ पर हम आपको बताते हैं टेक्स्ट इंडेंशन के बारे में ठीक है इसको प्रैक्टिकली देखते हैं तो यहाँ पर इसको हमने कर लिया कॉपी और चलते हैं यहां पर इसी क्लास में यहां पर हम पेस्ट कर देते हैं यहां पर ठीक है इसको हमने हमने पेस्ट किया टेक्स्ट इंडेंट तो मान लेते हैं यहाँ पर पिक्सल दिया और इसको सेव करते हैं और यहां पर चलते हैं इसको रिफ्रेश करेंगे तो सबसे पहले तो इसका जो अलाइनमेंट है वो हम जस्टिफाई कर देते हैं ठीक है यहां पर इसका टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर की बजाय जस्टिफाई करते हैं तो आपको बेटर समझ आएगा और इसका यहाँ पर जो टेक्स्ट इंडेंट है इसको जो है थोड़ा सा यहाँ पर हम बढ़ा देते हैं हंड्रेड पिक्सल करते हैं आपको बेटर समझ आएगा तो यहाँ पर हमने सेव किया तो आप देखेंगे कि ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है आपका इसमें एक ही पैराग्राफ है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फर्स्ट लाइन जो है उसके यहाँ पर आगे जो है हंड्रेड पिक्सल की जो टेक्स्ट इंडेंट है वो यहाँ पर जगह छूट जाती है ठीक है और बाकी ये जस्टिफाई तो हाई है तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे टेक्स्ट इंडेंट उसके बाद है लेटर स्पेसिंग तो लेटर स्पेसिंग को भी यूज करते हैं तो यहाँ पर लेटर स्पेसिंग इसी को हम कॉपी कर लेते हैं ठीक है और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं इसी में पैराग्राफ में और सेव और यहाँ पर हमने थ्री पिक्सल दिया है और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि लेटर स्पेसिंग का मतलब कि एक एक अक्षर के बीच में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टू तो टू में टी और ओ के बीच में जो गैप है इसको बोलते हैं लेटर स्पेसिंग जो कि यहाँ पर बढ़ चुकी है ठीक है अगर आप और बढ़ाना चाहें तो जैसे यहाँ पर हमने कर दिया थर्टी पिक्सल थर्टी पिक्सल वैसे तो बहुत ज़्यादा हो गया लेकिन यहाँ पर दिखाने के लिए किया हमने सेव और रिफ्रेश तो आप देखेंगे कितनी दूर दूर पर यहाँ पर लेटर लिखे हुए हैं ठीक है तो ये चीज़ होती है लेटर स्पेसिंग और जब हम लेटर स्पेसिंग बढ़ाते हैं तो यहां पर जो स्पेस होता है आपका इसका भी जो दायरा होता है वो बढ़ जाता है ठीक है क्योंकि ये भी एक हिसाब से लेटर के अंतर्गत ही आपका आता है बाकी आप इसको माइनस में भी दे सकते हैं माइनस में देने से क्या होगा कि अगर आप इसको माइनस में देते हैं तो जो वर्ड है वो काफ़ी नज़दीक आ जाएंगे जैसे यहां पर इसको हमने सेव किया और यहां पर रिफ्रेश तो आप देखेंगे वर्ड एकदम चिपके हुए आ रहे हैं ठीक है तो ये हो गई आपकी लेटर स्पेसिंग उसके बाद है लाइन हाइट अब लाइन हाइट क्या होती है तो यहाँ पर हमने बता दिया था आपको थ्योरी में कि लाइन हाइट क्या होती है लाइन हाइट यानी एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं लाइन हाइट ठीक है यहाँ पर इसको जो है लेटर स्पेसिंग को यहाँ पर हम नॉर्मल रखते हैं टू रख देते हैं ठीक है थीके? टू सही है और यहाँ पर इसकी जो लाइन हाइट है वो जीरो पॉइंट एट है ठीक है यहाँ पर इसको हमने सेव किया और चलते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में यहाँ पर जो गैपिंग है वो काफ़ी कम हो गई क्योंकि यहाँ पर हमने जीरो पॉइंट एट एट दे दी है तो यहाँ पर हम इसकी जो गैपिंग है वो बढ़ाते हैं यहाँ पर हम इसकी गैपिंग कर देते हैं टू ठीक है यहाँ पर हमने टू किया और इसको सेव करते हैं और लेटर स्पेसिंग जो है यहाँ पर हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए ठीक है और इसको सेव करते हैं और अब चलते हैं यहां पर रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की जो गैपिंग है वो टू पॉइंट हो गई ठीक है टू पॉइंट हो गई आप समझ गए होंगे तो इस तरह से यहाँ पर हम लाइन हाइट प्रॉपर्टी का यूज करके एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की गैपिंग को एडजस्ट कर सकते हैं उसके बाद वर्ड स्पेसिंग वर्ड स्पेसिंग आपको हमने बता दिया था क्या होता है इसको प्रैक्टिकली आपको बता देते हैं एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में जो गैपिंग होती है ठीक है उसको बोलते हैं वर्ड स्पेसिंग इसको हमने सेव किया और रिफ्रेश तो यहाँ पर आप देखेंगे एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में गैपिंग जो है वो ज़्यादा आ रही है जबकि यहाँ पर लेटर स्पेसिंग नहीं हमने यूज की है ठीक है तो आप समझ गए होंगे यहां पर वर्ड स्पेसिंग उसके बाद व्हाइट स्पेस की बात करते हैं तो यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं देखिए कॉपी कर लेते हैं ठीक है तो यहां पर अभी हमने व्हाइट स्पेस को जो है नो no रैप रखा है इसको हम सेव करते हैं और यहां पर देखिए अभी हमने रिफ्रेश नहीं किया है बाई डिफॉल्ट क्या होता है कि ये रैप होता है रैप होता है यानी कि अगर हम विंडो छोटी करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये जो आपका कंटेंट यहां पर लिखा है वो आपका यहाँ पर नीचे रैप होता चला जाता है जिससे वो नीचे चला जाता है और आपका यहाँ पर स्क्रॉल बार जो है वो जनरेट नहीं होता लेकिन यहां पर अगर हम इसको रिफ्रेश करें क्योंकि वहां पर हमने यहाँ पर नो रैप यूज किया है तो यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि पूरा पैराग्राफ जो है वो एक एक ही लाइन में यहां पर आगे की तरफ लिख चुका है और हम इसे स्क्रॉल करके पूरा इस तरह से पढ़ सकते हैं तो यहां पर अभी देखिए रैपिंग नहीं हो रही है ठीक है तो इसको बोलते हैं नो रैप अगर यहां पर हम इसको रैप करवाएं तो यहां पर हम नो को हटा देते हैं सिर्फ रैप और इसको हमने सेव किया और अब चलते हैं यहां पर रिफ्रेश तो आप देखेंगे कि वापस से नॉर्मल हो गया इसकी एक तीसरी वैल्यू होती है प्री ठीक है इसकी एक तीसरी वैल्यू होती है प्री पी आर ई प्री तो देखिए प्री में क्या होता है कि आपने यहां पर एस टी एम एल में जैसा भी लिखा होगा ठीक है यहां पर एस टी एम एल में देखिए यहां पर हमने पैराग्राफ स्टार्ट किया और यहां पर हमने जो है पैराग्राफ

पढ़ा था प्री टैग में क्या होता है कि उसके अंदर आपने जैसा भी कंटेंट लिख रखा है सेम वैसा ही आपको वहां पर आउटपुट में दिखाई देगा अगर आप यहां पर चार बार एंटर प्रेस करते हैं तो आपको उसी तरीके से रिजल्ट भी मिलेगा ठीक है तो आप यहां पर समझ गए होंगे कि प्री का यहां पर हम यूज़ किस तरह से करेंगे ठीक है तो फिलहाल इसको हम कंट्रोल जेड कर देते हैं वापस से जैसा था वैसा कर देते हैं और इसको हम सेव करते हैं और फिर यहाँ पर रिफ्रेश ठीक है तो अभी यहाँ पर प्री हमने यूज़ किया प्री को हटा देते हैं तो आपका ये नॉर्मल हो जाएगा ठीक है यहाँ पर व्हाइट स्पेस फ्री हट गया और इसको हम सेव करते हैं और अब आपको रिफ्रेश करके दिखाते हैं देखिए नॉर्मल हो गया ठीक है तो यहाँ पर हमने इतना कंप्लीट कर लिया व्हाइट स्पेस तक उसके बाद अगले नंबर पर है टेक्स्ट सैडो ठीक है तो सैडो क्या होता है आपको पता है यहाँ पर हम टेक्स्ट सैडो यानी टेक्स्ट के ऊपर सैडो लगाएंगे जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पर टेक्स्ट सैडो ये प्रॉपर्टी होती है जिसकी यहाँ पर हम इस तरह से वैल्यू डालते हैं इसमें जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो हॉर्जेंटल और जो सेकेंड वैल्यू होती है वो वर्टिकल के लिए होती है क्योंकि आपका जो टेक्स्ट का सैडो होता है वो आप कैसे रखना चाहते हैं वो यहाँ पर आप वैल्यू के जरिए सेट कर सकते हैं कैसे चलिए यहाँ पर इसको हम कॉपी कर लेते हैं ठीक है और इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम एक नई क्लास बना लेते हैं क्योंकि इसको हम एच में बताएंगे ताकि जो एच वन होगी वो उसका साइज बड़ा होगा तो आपको बेटर समझ आएगा ठीक है तो यहाँ पर हम एक नई क्लास बना लेते हैं ठीक है डॉट एच नाम की हमने क्लास बना ली सिंपल ठीक है एच नाम की क्लास बनाई और यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देते हैं ठीक है टेक्स्ट साइडो टू 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 का मतलब फर्स्ट वैल्यू जो है हॉरिजेंटल के लिए दो और सेकंड वैल्यू वर्टिकल के लिए अभी इसको आपको हम बता देंगे डिटेल में पहले इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पर एक हेडिंग इंसर्ट करते हैं इसी के नीचे यानी कि पैराग्राफ के ऊपर ठीक है तो यहाँ पर हमने एक एच वन नाम की हेडिंग और इसमें क्लास भी लगा देते हैं साथ ही साथ इसमें क्लास यहाँ पर हम एच एच ठीक है और यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं हेडिंग को और हेडिंग के बीच में यहाँ पर हम कुछ भी टाइप करते हैं जैसे कि वेलकम टू यू पी सी एस एस ठीक है तो यहाँ पर इसमें हमने वेलकम टू आई टी स्मार्ट वर्ड यहाँ पर हमने हेडिंग बनाई और इसको सेव करते हैं और चलते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे ठीक है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक हेडिंग यहाँ पर आ चुकी है ठीक है इसका साइज बड़ा करते हैं और इसका जो अलाइनमेंट है वो सेंटर करते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पर हमने टेक्स्ट टाइन सेंटर कर दिया और इसका फॉन्ट साइज जो है वो यहाँ पर हम इंक्रीज करते हैं ठीक है फॉन्ट साइज यहाँ पर हम कर देते हैं फिफ्टी पिक्सल ठीक है फिफ्टी पिक्सल और इसको सेव करते हैं और चलते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे ठीक है तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैकग्राउंड में जो ये सैडो आ रहा है यहाँ पर हल्का हल्का सा ठीक है तो ये आपका सैडो आ रहा है अगर इसको हम बढ़ाना चाहें हॉर्जेंटली जैसे कि यहाँ पर अगर हम टू की जगह ट्वेंटी कर देते हैं ठीक है थीके? यहाँ पर हमने ट्वेंटी कर दिया और इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश तो आप देखेंगे इसका सैडो देखिए कहाँ पर जा रहा है ठीक है आगे की तरफ बढ़ रहा है काफ़ी आगे चला गया है और यहाँ पर इसको थोड़ा कम करते हैं ठीक है तो यहाँ पर इसको कर देते हैं फाइव पिक्सल तो यहाँ पर हमने फाइव पिक्सल और सेव और यहाँ पर रिफ्रेश तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी हॉर्जेंटली यहाँ पर ये यह 5 पिक्सल आगे की तरफ मूव हो रहा है ठीक है और अब यहाँ पर अगर हम वर्टिकली भी यानी कि हम अगर नीचे की साइड को यहाँ पर हम इसका साइडो मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर हम इस वैल्यू को चेंज करेंगे सेकेंड वैल्यू को जैसे यहाँ पर हमने टेन पिक्सल और इसको सेव और यहाँ पर रिफ्रेश तो आप देखेंगे कि ये सैडो नीचे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहा है शिफ्ट हो रहा है ठीक है तो इस तरह से यहाँ पर हम सैडो सेट कर सकते हैं ये दो वैल्यू हो गई फर्स्ट वैल्यू होती है हॉर्जेंटल के लिए और सेकेंड वैल्यू होती है आपकी वर्टिकल के लिए ठीक है तो ये साइडो आपका यहाँ पर आ रहा है बाकी यहाँ पर आप साइडों का कलर चेंज कर सकते हैं और साइडो को ब्लर भी कर सकते हैं कैसे यहाँ पर देखिए आगे बताया गया है इसमें अगर आप यहाँ पर साइडो को ब्लर करना चाहते हैं और उसका कलर करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको तीन वैल्यू यूज़ करनी होंगी फर्स्ट वैल्यू हॉरिजेंटल सेकेंड वैल्यू वर्टिकल और थर्ड वैल्यू जो होती है वो आपकी होती है ब्लर करने के लिए यानी आपको कितने परसेंट तक ब्लर करना है कितना ब्लर करना है ठीक है और लास्ट वैल्यू होती है आपकी कलर के लिए ठीक है तो यहाँ पर हम चलते हैं और यूज करते हैं तो सबसे पहले एक चीज़ और आपको बता दें देखिए यहाँ पर ये जो साइडो आपका आ रहा है ये नीचे की साइड को यहाँ पर आ रहा है अगर आप ऊपर इसको ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको माइनस की वैल्यू यूज करनी होगी ठीक है यहाँ पर आपको माइनस में वैल्यू देनी है माइनस थ्री और इसको सेव करते हैं तो आप देखेंगे कि ये साइडो ऊपर की तरफ चला जाएगा ठीक है कलर चेंज करते हैं तो आपको समझ आएगा ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है तो यहाँ पर हम कलर यूज करते हैं रेड ठीक है अगर हम यहाँ पर ब्लर वाली जो वैल्यू है नहीं भी यूज़ करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं इसको हमने सेव किया और रिफ्रेश तो आप देखेंगे कि जो रेड कलर है वो कहाँ पर आ रहा है ठीक है इसको और अगर आप घटाना या बढ़ाना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ से आप आराम से कर पाएंगे जैसे यहाँ पर हमने इसको फाइव पिक्सल और इसको भी यहाँ पर हमने फाइव पिक्सल और सेव और यहाँ पर रिफ्रेश तो आप देखेंगे कि ये ऊपर की तरफ मूव हो रहा है ठीक है बाकी इसको अगर आप ब्लर करना चाहते हैं तो बीच में यहाँ पर आपको वैल्यू यूज करनी है जैसे यहाँ पर हम इसको फाइव पिक्सल तक ब्लर भी करेंगे तो इसको यहाँ पर हमने सेव किया थर्ड वैल्यू जो होती है वो ब्लर के लिए होती है सेव किया और रिफ्रेश तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ब्लर हो चुका है ठीक है तो इस तरह से यहाँ पर हम शेडो जो है वो सेट करते हैं फिलहाल यहाँ पर माइनस की वैल्यू हटाते हैं और इसको यहाँ पर ऐसे ही सेट करके इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कितना बेटर लग रहा है ठीक है तो इस तरह से यहाँ पर टेक्स्ट के चारों तरफ आप जो है सेडो दे सकते हैं और उसको ब्लर कर सकते हैं उसके बाद है हॉट और वेब सेफ फॉन्ट ठीक है हॉट और वेब सेफ फॉन्ट का मतलब होता है वो फॉन्ट जो ब्राउजर सपोर्ट करता है ठीक है तो ये सभी फॉन्ट आपके सामने जो दिए गए हैं ये ब्राउजर सपोर्ट करता है आप इन्हें यूज कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप कोई फॉन्ट यूज करना चाहते हैं जो कि आपको अच्छा लगता है लेकिन वो ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता है तो सी के थ्रू वहाँ पर हम फॉन्ट जो है वो क्रिएट भी कर सकते हैं उसके बारे में हम किसी वीडियो में बात करेंगे ठीक है कि हम फॉन्ट अपना खुद का पर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं ठीक है थीके? कैसे बनाएंगे फिलहाल यहां पर हम स्टाइल जो यहां पर आपके दिए गए हैं इनको यूज करना आपको बताते हैं हालांकि ये यूज करना आपको हमने बताया एस टी के साथ में कई बार बताया है आपको फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी का यूज करना है ठीक है क्या यूज करना है फॉन्ट फैमिली और उसके बाद यहां पर आप ये वैल्यू दे सकते हैं इसमें से कोई भी वैल्यू जैसे कि यहां पर हम कॉपी कर लेते हैं इसको ठीक है यहां पर हमने इस यहाँ पर हम टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट को यहाँ पर हम कॉपी करते हैं ठीक है इसको हमने कॉपी कर लिया और चलते हैं यहाँ पर एच एच आपका जो ये एच एच हैडिंग है इसे मैं यहाँ पर हम टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट का यूज करेंगे तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉन्ट फैमिली क्या यूज़ करेंगे फॉन्ट फैमिली ध्यान रखना ठीक है और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं टाइम्स न्यू रोमन और इसको हम सेव करते हैं और चलते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे ठीक है तो यहाँ पर हालांकि बाय डिफ़ॉल्ट या टाइम्स न्यू रोमन ही था तो इसमें हम कोई दूसरा फॉन्ट सेट करते हैं ठीक है दूसरा फॉन्ट यहाँ पर हम जैसे ले लेते हैं तो यहाँ पर हम एरियल फॉन्ट ले लेते हैं ठीक है यहां पर हमने एरियल को कॉपी किया और चलते हैं यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं एरियल के बारे में सबको पता होगा क्योंकि ये एक नॉर्मल फॉन्ट है अगर आप एम एस वर्ड वगैरह पर टाइपिंग करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे अभी करंट टाइम में ये एरियल फॉन्ट है ठीक है इस तरह से यहाँ पर आप कोई भी फॉन्ट यूज कर सकते हैं इसमें यहाँ पर देखिए वेलकम टू यू पी एस एस में कौन सा फॉन्ट यूज किया गया है वह आप यहां से देख सकते हैं इसमें देखिए फॉन्ट फैमिली यहां पर वेलडना well यहां पर यूज किया गया है ठीक है फॉन्ट फैमिली जो है ये वेलडना well है ठीक है चलिए तो यहाँ पर आपको फॉन्ट फैमिली कैसे यूज करना पता चल गया होगा ठीक है यहां पर आप कोई भी फॉन्ट यूज कर सकते हैं देख लीजिए कौन सा सही लग रहा है कौन सा आपको अच्छा तो लगता है और बाकी जैसा कि हमने बताया कि जो नए फॉन्ट्स हैं जो यहां पर ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता है वो आप अपने फॉन्ट उसमें कैसे डालेंगे वो सारी चीजें हम बात करेंगे किसी अगले वीडियो में ठीक है अगले वीडियो में नहीं किसी वीडियो में बात करेंगे उसके बाद है फॉन्ट स्टाइल तो फॉन्ट स्टाइल क्या होती है तो जैसे आपको पता है इटैलिक के बारे में ठीक है इटैलिक में क्या होता है जो आपके टेक्स्ट यानी करेक्टर होते हैं वो टेढ़े हो जाते हैं तिरछा हो जाते हैं उसको इटैलिक बोलते हैं तो अगर आप इटैलिक

जहाँ पर हम बोल्ड यूज करेंगे वैल्यू और नॉर्मल तो होती ही है बाई डिफॉल्ट उसके बाद है फ़ॉन्ट वेरियंट ठीक है फ़ॉन्ट वेरियंट क्या होता है इसको आपको हम प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखा देते हैं तो यहाँ पर हम इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर वेरियंट में कुछ नहीं होता है स्मॉल कैप्स आपको पता होगा शायद स्मॉल कैप्स में क्या होता है कि आपके जो लेटर होते हैं वो कैपिटल लेटर ही होते हैं लेकिन फिर भी वो स्मॉल में यानी छोटे छोटे लिखे होते हैं उसको बोलते हैं स्मॉल कैप ठीक है cap, तो वो होता है फॉन्ट वेरियंट सो एक नॉर्मल एक स्मॉल कैप तो नॉर्मल तो बाई डिफ़ॉल्ट होता है स्मॉल कैप यहाँ पर हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं इसी में आपकी ये जो टेक्स्ट वाली क्लास है यानी कि पैराग्राफ में इसको यूज करते हैं तो यहाँ पर हमने पेस्ट किया तो यहाँ पर हमने स्मॉल कैप्स यूज किया और इसको यहाँ पर सेव करते हैं और चलते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लेटर सभी कैपिटल है लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है सभी स्मॉल लेटर एज मतलब स्मॉल कैप में आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर फर्स्ट लेटर कैपिटल ही है क्योंकि यहां पर हमने जो है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में कैपिटलाइज यहां पर हमने यूज किया था इस वजह से वहां पर फर्स्ट लेटर कैपिटल ही आ रहा है ठीक है और बाकी जो है वो स्मॉल कैप्स में आ रहा है तो ये होता है आपका स्मॉल कैप्स आपको समझ आ गया होगा एक बार फिर से देख लें ठीक है उसके बाद अगले नंबर पर है फॉन्ट साइज ठीक है तो फॉन्ट साइज के बारे में तो आपको अच्छे से पता है फॉन्ट साइज आप किस तरह से यूज करेंगे फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी है जिसके जरिए आप फॉन्ट का साइज जो है वो कर सकते हैं पिक्सल में, सेट कर सकते है, में सेट कर सकते है, तो आपका 16 पिक्सल रखना चाहते हैं जितना भी रखना चाहते हैं उसके हिसाब से आप कर लें वहाँ पर आप ई का भी यूज कर सकते हैं ठीक है हालाँकि ज्यादातर लोग ई यूज करते हैं लेकिन ब्राउजर होते हैं वो ई को सपोर्ट नहीं करते हैं या सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ इशू क्रिएट कर देते हैं तो वहाँ पर ई एम के साथ में एक इशू होता है तो हालाँकि पिक्सल्स का एम ही यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए यहां पर आगे बताया गया है इसमें देखिए एक चीज यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ परसेंट एंड ई एम ठीक है तो परसेंट और ई एम में क्या होगा कि आप बॉडी का जो फोन साइज है वो हंड्रेड परसेंट रख दें बाकी हेडिंग या पैराग्राफ के लिए आप ई एम में सेट करें यहाँ पर कोई इशू नहीं है अगर ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता है ई एम तो वो यहाँ पर फोन साइज हंड्रेड जो बॉडी में सेट है इसको सपोर्ट करेगा ही करेगा और वहाँ पर वो प्रॉपर सही से काम करेगा ठीक है तो इसमें कुछ खास नहीं है यहाँ पर आप फोन साइज कहने का मतलब है कि ई एम में रख सकते हैं या परसेंट में रख सकते हैं या पिक्सल में रख सकते हैं जैसी मर्जी तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता है तो यहां पर हम आगे बढ़ते हैं उसके बाद है रिस्पॉन्सिव फोन साइज रिस्पॉन्सिव फॉन क्या होता है इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं देखिए यहां पर हम अपना ब्राउजर ओपन करते हैं तो आपको पता होगा कि वर्ड जो है वो हमेशा जुड़ा रहता है डिवाइस की विध के अकॉर्डिंग यानी कि मोबाइल टी या लैपटॉप या डेस्कटॉप अलग अलग जो होते हैं उनका अलग अलग साइज होता है और अलग अलग साइज पर वेबसाइट या फॉन्ट आपका अच्छे से दिखे उसी को बोलते हैं रिस्पॉन्सिव ठीक है तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिव फॉन्ट साइज क्या होता है तो देखिए यहां पर जब इसको हम छोटा कर रहे हैं छोटा कर रहे हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि जो भी हमने हेडिंग या पैराग्राफ लिख रखा है ये फॉन्ट साइज इसका छोटा नहीं हो रहा है ठीक है क्या हो रहा है जहां तक ये मतलब इस तरह से खाली स्पेस बचा पा रहा है बचा पा रहा है फिर उसके बाद ये नई लाइन में आ रहा है फिर और छोटा कर रहे हैं तो ये और नई लाइन में इस तरह से चला जा रहा है लेकिन साइज छोटा नहीं हो रहा ठीक है तो यहां पर आप रिस्पॉन्सिव फॉन्ट साइज का यूज कर सकते हैं जिसकी यहां पर जो मेजर यूनिट है वो है वी डब्ल्यू ठीक है तो यहां पर इसमें जो वी डब्ल्यू का मतलब है इसका मतलब है व्यू पोर्ट ठीक है व्यू पोर्ट क्या होता है तो व्यू पोर्ट का सीधा मतलब होता है आपकी जो डिवाइस की विथ है ठीक है उसका व्यू पोर्ट क्या है तो वो चीज होती है व्यू रिपोर्ट विथ क्या है चलिए तो यहाँ पर इसको फिलहाल पेस्ट करते हैं ठीक है यहाँ पर इसमें इसको हम यूज़ करते हैं हेडिंग में ठीक है यहाँ पर हम हेडिंग में यूज़ करते हैं इसको हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ पर हमने जो है टेन वी डब्ल्यू रखा है और इसको सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये फॉन्ट साइज काफ़ी बड़ा आ रहा है और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं बहुत ज्यादा हो गया ये तो इसको यहाँ पर हम नाइन सेट कर देते हैं या एट सेट कर देते हैं एट वी डब्ल्यू सेव और यहाँ पर रिफ्रेश तो आप देखेंगे कि ये उसी हिसाब से आ रहा है अब देखिए यहाँ पर जब हम स्क्रीन छोटी कर रहे हैं यहाँ पर आप ध्यान से देखना स्क्रीन बड़ी कर रहे हैं तो फॉन्ट साइज यहाँ पर देखिए बड़ा हो रहा है और जैसे जैसे स्क्रीन छोटी कर रहे हैं तो ये फ़ॉन्ट साइज़ छोटा हो रहा है यहाँ पर आप देखेंगे कि ये फ़ॉन्ट साइज़ कितना छोटा हो गया यहाँ पर आप जो वेलकम देख रहे हैं और ये वेलकम देख रहे हैं तो इसके मुकाबले ये वाला ज़्यादा बड़ा आ रहा है लेकिन जब इसको हम फुल स्क्रीन में करते हैं तो यहाँ पर ये आपका बड़ा आ रहा है और ये छोटा आ रहा है तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिव फॉन्ट साइज़ है जो कि चेंज हो रहा है विथ के अकॉर्डिंग व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग ठीक है तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर उसके बाद आगे बढ़ते हैं सी एस एस फॉन्ट प्रॉपर्टी ठीक है तो सी एस एस फॉन्ट प्रॉपर्टी में हमने सभी प्रॉपर्टी को देखा फॉन्ट स्टाइल ठीक है फॉन्ट स्टाइल में आप इटैलिक रखना चाहते नहीं रखना चाहते फॉन्ट वेरियंट में स्मॉल कैप रखना चाहते हैं फॉन्ट वेट में बोल्ड हो गया फॉन्ट साइज भी हमने बताया लाइन हाइट के बारे में भी हमने बताया लाइन हाइट क्या होता है एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में जो हाइट होती है वो आप सेट कर सकते हैं कितनी गैपिंग होनी चाहिए और फॉन्ट फैमिली भी हमने आपको

स्टाइल टाइप का मतलब अगर आप स्क्वायर रखना चाहते हैं सर्कल रखना चाहते हैं या पॉइंट में रखना चाहते हैं तो कैसा रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से आप सेट कर सकते हैं तो पहले तो यहां पर हम जो है एक लिस्ट बनाते हैं कोड में और यहां पर ये यह जो पैराग्राफ आपका है ये लिखा रहने है देते हैं इसी के नीचे यहाँ पर हम एक लिस्ट बनाते हैं यू एल यानी अनऑर्डर लिस्ट और एक बनाएंगे ऑर्डर लिस्ट ठीक है तो यहां पर हम वीडियो को पॉज करते हैं और यहां पर हम कुछ लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं तो यहां पर डेमो के लिए हमने जो है एक यूएल यानी अनऑर्डर लिस्ट और एक ओएल यानी कि ऑर्डर लिस्ट बना ली है उसमें हमने एलआई में सिर्फ यूपी से एस एस

ऑर्डर लिस्ट होते हैं उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वन टू थ्री यानी कि नंबर स्टार्ट होते हैं यानी नंबर आते हैं ठीक है थीके? तो ये चीज़ तो समझ आ गई अब अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे तो वो देखिए अगर आप यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट में बुलेट की जगह पर आप सर्कल चाहते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम सर्कल को भी यूज कर सकते हैं इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पर इसमें पहले तो यहाँ पर हम जो है बाय डिफ़ॉल्ट लिख देते हैं यू और ओ के लिए आपको क्लास लगाना तो आता ही है यहाँ पर हम यू के लिए डिफ़ॉल्ट लिख देते हैं ठीक है तो यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया या डिफ़ॉल्ट हो गया जितने भी यू होंगे सभी में जो है लिस्ट टाइप जो है वो सर्कल हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर लिस्ट स्टाइल टाइप सर्कल सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश तो आप देखेंगे कि इसमें ये इस सर्कल इस तरह से आ रहे हैं आप देख पा रहे होंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पर आप स्क्वायर प्रॉपर्टी का यूज करके स्क्वायर कर सकते हैं उसको ठीक है अगर आप स्क्वायर रखना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने इसको पेस्ट किया स्क्वायर को तो इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश तो आप देखेंगे कि ये स्क्वायर इस तरह से आपकी आ रही हैं ठीक है और ऑर्डर लिस्ट में अगर आप रोमन में रखना चाहते हैं या अल्फ़ाबेट में एबीसी रखना चाहते हैं कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं ठीक है कॉपी किया और चलते हैं यहाँ पर और इसको हम यहाँ पर ओएल के लिए डिफ़ॉल्ट सेट कर देते हैं बाकी आप क्लास बना करके भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर हमने यूज किया अपर रोमन अपर रोमन का मतलब कैपिटल अपर यानी कैपिटल रोमन यानी रोमन में ठीक है तो इसको हमने सेव किया और यहां पर रिफ्रेश तो आप देखेंगे कि ये वन टू थ्री इस तरह से रोमन में आ रहा है अगर यहां पर अपर की जगह हम लोअर कर देंगे ठीक है क्या करेंगे लोअर तो आपका वो लोअर रोमन हो जाएगा ठीक है तो लोअर में रोमन आएंगे और अगर अल्फा रखते हैं लोअर अल्फा यानी कि ए बी सी स्मॉल लेटर में आएंगी और अगर, अगर अपर अल्फा रखते हैं तो वो आपका कैपिटल लेटर में आएगा और नॉर्मल रखते हैं तो आपका डिफॉल्ट जो वन टू थ्री है वही आएगा तो ये तो आपको क्लियर हो गया ठीक है आगे बढ़ते हैं उसके बाद पर है लिस्ट की जगह पर अगर आप इमेज यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं बहुत ही सिंपल है आपको उसके लिए लिस्ट स्टाइल इमेज यूज करना होगा ठीक है यहां पर हमने लिस्ट स्टाइल टाइप यूज किया था और अगर इमेज यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए लिस्ट स्टाइल इमेज इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और यू में यहाँ पर हम इमेज का एड्रेस दे देंगे सिंपल ठीक है तो यहाँ पर आप जो देखेंगे अनऑर्डर लिस्ट में ये अनऑर्डर लिस्ट के लिए है तो अनऑर्डर लिस्ट में यहाँ पर जो स्क्वायर आ रहा है इसके जगह पर आप अपनी कोई इमेज भी रख सकते हैं लेकिन इमेज का जो साइज है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए ठीक है इमेज का साइज छोटा होना चाहिए बुलेट के हिसाब से जिस तरह से बुलेट होती है जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाएं तो ये बहुत ही छोटा साइज है इसका टेन बाई टेन है ठीक है आप इससे थोड़ा बड़ा या छोटा रख सकते हैं अपने हिसाब से फिलहाल यहाँ पर एक हमारे पास इमेज है बी नाम की बी यू इसी को यूज़ करेंगे यहाँ पर हम बुलेट के लिए तो यहाँ पर हम जो है इसको कॉपी कर लेते हैं ठीक है लिस्ट स्टाइल इमेज इसको यहाँ पर हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पर चलते हैं और इसको यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट में स्क्वायर नहीं रखेंगे इसको यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं लिस्ट स्टाइल इमेज और बस यहाँ पर हमें सिर्फ एड्रेस चेंज कर देना है ठीक है तो यहाँ पर हम एड्रेस चेंज करते हैं इमेज में जा करके बी यू डॉट पी एन जी बस हो गया बी यू डॉट पी एन जी सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश तो आप देखेंगे कि इसमें इमेज यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है बुलेट के रूप में ठीक है उसके बाद है पोजीशन द लिस्ट आइटम मार्कर्स ठीक है तो उसके बाद पोजीशन आप क्या रखना चाहते हैं उनकी इन साइड रखना चाहते हैं या आउटसाइड रखना चाहते हैं ये पोजीशन होती है इसको हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं बेटर समझ आएगा तो यहाँ पर इसको हमने कॉपी किया ठीक है तो ये आप ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट दोनों के लिए सेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये पोजीशन की बात हो रही है ठीक है तो यहाँ पर देखिए हमने आउटसाइड सेट किया इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करेंगे तो बाई डिफ़ॉल्टो आपका जो होता है वो आउटसाइड होता है इसलिए यहाँ पर हम इन रखते हैं इसको ठीक है इन तो यहाँ पर हमने इसको इनसाइड किया और अब सेव करते हैं और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर कुछ डिफरेंस देख पा रहे होंगे इन साइड में यहाँ पर ये आगे की तरफ थोड़ा सा मूव हो गया ठीक है तो ये इन साइड में यहाँ पर बुलेट इंसर्ट होती है आउट साइड में इंसर्ट नहीं होती मतलब मार्जिन और पैडिंग यहाँ पर जो है डिफ़ॉल्ट वो छूटी हुई है लेफ्ट साइड में ठीक है तो ये इन साइड का मतलब आपकी जो पोजीशन है बुलेट्स की वो आपकी इन साइड हो जाती है आउट साइड में ये बाहर चली जाती हैं इन साइड में अंदर आ जाती हैं ठीक है थीके? इसको आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं कोई इशू नहीं है इसमें आगे बढ़ते हैं उसके बाद है रिमूव डिफॉल्ट सेटिंग रिमूव डिफॉल्ट सेटिंग का मतलब कि जो डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं यहाँ पर इसमें डिफॉल्ट सेटिंग क्या होती है जैसा कि आपको पता है यहाँ पर ये यह जो अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट आपकी आ रही हैं इसमें यहाँ पर लेफ्ट साइड में मार्जिन है कि नहीं है बिल्कुल है ठीक है मार्जिन नहीं होती तो ये लेफ्ट साइड से बिल्कुल चिपका हुआ आता ठीक है तो ये आप जो मार्जिन वगैरह है ये डिफॉल्ट होती है कुछ ना कुछ अगर आप उसको हटाना चाहते हैं रिमूव करना चाहते हैं तो इस तरह से आप सिंपली जीरो कर सकते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर सकते हैं तो कोई भी स्टाइल नहीं आएगी ठीक है सर्कल रखेंगे तो सर्कल आएगी स्क्वायर रखेंगे स्क्वायर आएगी इमेज यूज करना चाहे इमेज यूज करें नहीं रखना चाहते तो नन कर दें ठीक है लिस्ट स्टाइल टाइप नन हो जाएगा सिंपल और मार्जिन जीरो पैडिंग जीरो तो इससे क्या होगा कि सारी चीज़ें जीरो हो जाएंगी तो यहाँ पर इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं यूएल नाम की हालांकि हमने डिफ़ॉल्ट सी एस एस लिख रखी है लेकिन ये ओवर राइड हो जाएगी जैसा कि आपको पता है यहाँ पर हमने इसको सेव किया और यहाँ पर रिफ्रेश तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लेफ्ट साइड की जो मार्जिन है वो हट चुकी है ठीक है तो ये होता है आपका ठीक है बाकी आप मार्जिन रखना चाहें तो रख सकते हैं तो समझ गए होंगे आगे बढ़ते हैं उसके बाद है लिस्ट शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी तो शॉर्ट हैंड के बारे में तो आपको पता ही है तो सी एस एस की कोई भी प्रॉपर्टी हो ठीक है उसमें क्या होता है शॉर्ट हैंड तो होता ही होता है तो यहाँ पर लिस्ट स्टाइल में आप यूज़ कर सकते हैं स्क्वायर इनसाइड ठीक है यहां पर स्क्वायर यूज कर सकते हैं यानी लिस्ट स्टाइल टाइप हो गया इन साइड यानी कि लिस्ट स्टाइल पोजीशन हो गई और इमेज यूज करेंगे तो इसका मतलब लिस्ट स्टाइल इमेज हो गई ठीक है समझ गए होंगे आई थिंक तो यहाँ पर स्क्वायर भी यूज किया गया है और इमेज भी यूज की गई है तो इसका क्या मतलब है तो इसका मतलब यहां पर ये इमेज काम करेगी और अगर किसी कारण से इमेज नहीं लोड हो पाती है तो वहां पर आपके स्क्वायर काम करेंगे सिंपल है ठीक है यहां पर आप नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है लिस्ट स्टाइल टाइप में ठीक है लिस्ट स्टाइल टाइप यहाँ पर स्क्वायर हमने इसलिए दिया क्योंकि अगर किसी कारणवश किसी रीजन से अगर इमेज नहीं लोड हो पाती है तो आपका लिस्ट स्टाइल टाइप काम करेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद अगले नंबर पर है स्टाइलिंग लिस्ट विद कलर्स यानी कि आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं तो यहां पर देखिए हमने जो है ओएल के लिए ठीक है बैकग्राउंड कलर सेट किया और पैडिंग ट्वेंटी पिक्सल तो यहां पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहां पर पेस्ट करते हैं ओएल के लिए तो यहां पर इस ओएल को हम हटा देते हैं ठीक है थीके? और पेस्ट और सेव और अब चलते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड कलर जो है वो यहाँ पर आ रहा है ठीक है और यहाँ पर हमने क्या सेट किया और यहाँ पर हमने पैडिंग दी है ट्वेंटी पिक्सल तो ये पैडिंग भी आ रही है यहाँ पर बैकग्राउंड कलर के चारों तरफ से पैडिंग आ रही है ट्वेंटी पिक्सल की ठीक है अगर हम बढ़ाना चाहें तो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं पैडिंग के बारे में आपको अच्छे से पता है तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर आप इस तरह से दे सकते हैं ओएल में ओएल को टारगेट करके ठीक है तो ये तो आप कर ही लेंगे इसमें कोई इशू नहीं है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर यूएल के लिए भी सेम कर सकते हैं ओएल एल के लिए कर सकते हैं ठीक है एल में यहाँ पर एक चीज़ है मार्जिन लेफ्ट साइड से ठीक है तो इसका मतलब क्या होता है तो देखिए यहाँ पर आपके जो वन टू थ्री लिखे हैं और ये जो यू पी सी एस लिखा है इन दोनों के बीच में अगर आप थोड़ा गैप बढ़ाना चाहते हैं तो वो चीज़ यहाँ पर आप कर सकते हैं एलआई के लिए ठीक है आप ओएल और एल के लिए मार्जिन लेफ्ट सेट कर दें ठीक है तो आपकी जो मार्जिन है वो लेफ्ट साइड से जो है थर्टी फाइव पिक्सल बढ़ जाएगी यहाँ पर इसको हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं इसको हमने यहाँ पर कॉपी किया ठीक है और यहाँ पर ओएल और एल आई ठीक है यहाँ पर हमने एल आई के लिए भी सेम सेटिंग कर दी और इसको यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं और सेव करते हैं यहाँ पर ठीक है ये हमने ऑर्डर लिस्ट यानी ओएल पे लगाया है इसको यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी गैपिंग बीच में आ चुकी है वन और यूपी पी के बीच में ठीक है और यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिखा दे देखिए यहाँ पर ये यह जो वन टू थ्री हैं ये बैकग्राउंड से बाहर जा रहे हैं क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट हमने बताया था ना कि ये आउट होते हैं ठीक है तो अगर आप इसको इन साइड लेना चाहते हैं यानी कि बैकग्राउंड के अंदर लेना चाहते हैं इन साइड में तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पर लिस्ट स्टाइल पोजिशन ये हम यूज़ करेंगे तो इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं इसी में और इसको हमने पेस्ट किया सेव करते हैं और चलते हैं यहाँ पर रिफ्रेश तो आप देखेंगे कि ये इन साइड में आ जा रहे हैं ठीक है चलिए तो फिलहाल यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं ठीक है या पड़ा रहने देते थे कोई दिक्कत नहीं उसके बाद अगले नंबर पर है सी एस एस टेबल्स बॉर्डर ठीक है तो सी एस एस टेबल के बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे कि टेबल्स को हम जो है कैसे डिजाइन कर सकते हैं सी एस एस के थ्रू हालांकि हमने एस टीम के साथ में इसको देखा था फिर भी यहाँ पर हम देखेंगे कुछ चीज़ें वहाँ पर जो नहीं कवर हुई थी वो यहाँ पर कवर हो जाएंगी कुछ एडवांस चीज़ें ठीक है तो यहाँ पर हम सी एस एस टेबल को अगली वीडियो में देखेंगे तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो